भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिन्हाना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, आओ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक बयान के मामले में गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद घाटकोपर इलाके में उनके समर्थन में हजारों की भीड़ सड़क पर आ गई। खबरों के मुताबिक पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद लोग तितर बितर हुए। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को देर रात गिरफ्तार करने के बाद गुजरात एटीएस ने मुफ्ती साहब को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जूनागढ़ के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, मगर वहीं मुफ्ती साहब का कहना है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण नहीं दिया है और उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी बात कही है। मुंबई में शांति है, मुंबई के रास्तों पे शांति है, घाटकोपर एरिया में शांति है। कोई भी अफवाह आपके ऊपर, आप लोग अफवाह के ऊपर विश्वास ना कीजिए। मुंबई पुलिस को कॉपरेट कीजिए। मैं मुंबई के आम लोगों को बताना चाहता हूँ, मुंबई के आम लोगों के लिए मुंबई पुलिस रास्तों पे है और शांति है। कोई भी अफवाह आप नहीं फैलाएंगे और अफवाह के ऊपर आप विश्वास मत कीजिए। जय हिंद।